Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the TYBCOM semester 6 subject of indirect taxes, which is GST, and we are going to discuss some of the important theory questions which can be expected in your TYBCOM semester 6 examination. So आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो आपके थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जीएसटी के रिलेटेड. तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे थे कि थियोरी क्वेश्चंस के बारे में वीडियो बनाई है, जीएसटी के बारे में वीडियो बनाई है. तो जीएसटी के ऊपर प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर एक वीडियो मैं डालूंगा. उसके पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में एक्सपेक्टेड होंगे. इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में थियोरी में देखने मिलेंगे, एज वेल एज इन थियोरी क्वेश्चंस की वजह से आपके ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व करने में आपको एक हेल्प मिल जाएगी. तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें. और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, बिकॉज मैं ऐसे लास्ट मिनट रिविजन रिलेटेड वीडियोज चैनल पे डालते रहता हूं. तो आइए स्टार्ट करते हैं जीएसटी के बारे में सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी एक्सपेक्टेड इज बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी कॉल्ड एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी के बारे में आपको पढ़ के रखना है. देन द सेकंड क्वेश्चन विच कैन बी एक्सपेक्टेड इज कंडीशंस फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट कॉल्ड एज द सेट ऑफ. तो वो आपको पढ़ना है. देन द नेक्स्ट पार्ट विच कैन बी ऑल्सो आस्क इन द शॉर्ट नोट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में आपको पढ़ना है. नेक्स्ट इज द कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाईज. तो सप्लाई एक चैप्टर है, उसके बारे में आपको कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई क्या होता है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में आपको पढ़ना है. देन द नेक्स्ट इज द एग्रीगेट टर्न ओवर. तो एग्रीगेट टर्न ओवर काफी इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा कि दो एग्रीगेट टर्न ओवर है उसके लिए लिमिट्स वगैरह, वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के ऊपर भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है. देन द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में भी आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पढ़ने हैं, वो आपके रिलेटेड शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्सेबल इवेंट्स अंडर आईजीएसटी. तो व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स विच आर टैक्सेबल अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो आपको पढ़ना है. देन आपको पढ़ना है इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई, काफी इंपॉर्टेंट. इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है. देन द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टडी इज persons liable for registration as per section 22. तो which are the persons who are liable as per the section 22, सारे conditions, सारे provisions आपको पढ़ने हैं. Then the next is exempt services under GST. मैंने यहाँ पे exempt services under GST दिया है, but उसमें से paper में any 5, any 6, any 7 ऐसे exempt services के बारे में भी पूछा जा सकता है. Then the next is electronic cash ledger. तो electronic cash ledger के बारे में भी question बन सकता है. तो आपको electronic cash ledger के बारे में short note पूछा जा सकता है, वो भी आपको पढ़ के रखना है. Then the next is जो set off हम adjust करते हैं credit का, input tax credit का जो set off होता है उसका order कैसा है. तो कैसे आप ऑर्डर बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेट ऑफ को आप एडजस्ट करोगे. देन द नेक्स्ट शॉर्ट नोट विच कैन बी इंपॉर्टेंट इज पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम. तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऐसे कौन से पर्सन्स है जो एलिजिबल नहीं होंगे, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आइडिया होना चाहिए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. तो हमने अभी पढ़ा सेक्शन 22 के बारे में कि सेक्शन 22 डील्स विद पर्सन्स हु आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 डील्स विद पर्सन्स हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन. ड्यूअल जीएसटी मॉडल के ऊपर पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है. तो ड्यूअल जीएसटी मॉडल के ऊपर शॉर्ट नोट बन सकता है. देन द नेक्स्ट इज जीएसटी काउंसिल एंड जीएसटीएन नेटवर्क, दैट इज GSTN. तो GST काउंसिल के जो जो पॉइंट्स है वो आपको पढ़ने हैं, GSTN नेटवर्क के बारे में आपको पढ़ना है. देन द नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई कॉल्ड एज सेक्शन 10 के बारे में आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ना है. तो इतने भी शॉर्ट नोट्स आप अगर पढ़ के गए तो इसमें से काफी सारे शॉर्ट नोट्स आपके पेपर से रिलेटेड आपको देखने मिलेंगे, एज वेल एज यू विल बी ऑल्सो गेटिंग द बेसिक आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी आस्क इन योर पेपर. सो दीज आर सम ऑफ द एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स विच कैन बी आस्क इन योर सेमेस्टर 6 GST पेपर एज कंसर्न. एंड आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड मेनी कमेंट्स अबाउट वॉट विल बी द एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल. सो आपको याद रखना है, आपको दो क्वेश्चन के दो जो चैप्टर्स है उसके ऊपर क्वेश्चन 20 मार्क के बन सकते हैं. वैसे तो टैक्स में काफी सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, बट मुझे जैसा लग रहा है उसके बेसिस पे
कलेक्शन एंड लेवी ऑफ जीएसटी के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है या 10-10 मार्क्स के दो क्वेश्चन बन सकते हैं. एंड जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन है उसके ऊपर, मतलब कैलकुलेट करना है आपको जीएसटी, उसके ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा बन सकता है. बाकी टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उनके ऊपर 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन के ऊपर 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं. तो दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा है अभी तक देख लिया है तो लाइक करना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज उनको भी ये टीवाई बीकॉम रिलेटेड जीएसटी के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पता चलेंगे एंड दे कैन गेट इजीली गुड मार्क्स रिलेटेड टू द टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन. सब्सक्राइब करो चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन. थैंक यू ऑल ऑफ यू. टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर.